हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको ये श्रग में पॉकेट कैसे डालते हैं वो बताने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत सारे श्रग बना चुकी हूँ, उसमें मैंने किसी में भी है जो पॉकेट बनाना आपको नहीं बताया। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि श्रग में है जो खड़ी पॉकेट कैसे डालते हैं। तो बनाते तो इसको सेम वैसे ही है जैसे कि हम दूसरी जो सिलाइयों से कोटियाँ बनाते हैं, लेडीज़ कार्डिगन बनाते हैं दो सिलाई से, उसी तरह से है जो हम क्रोशे से भी पॉकेट डालते हैं श्रग में या किसी भी फुल स्लीव या जैसे भी आपने श्रग, जो कोई भी श्रग बनाना हो, कोई भी कोटी बनानी हो, लेडीज़ कार्डिगन बनानी हो, तो उसके में हम पॉकेट कैसे डालते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है जो मैं पॉकेट बना रही हूँ। इसमें मैंने क्या किया है कि जितने घर मैंने पट्टी में यहाँ से सेम जैसे हम कोटी में बनाते हैं पट्टी के घर छोड़ दिए, और यहाँ से जितनी भी आपको चौड़ी चाहिए, जैसे हमने कोटी में 25 से 30 घर हम यहाँ से उठाते हैं, सेम हमने मैंने इसमें भी है जो 25 डबल क्रोशिया की है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है जो पॉकेट में मैंने बैक साइड से घर उठाए हैं, और फिर इसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। ये मैंने लंबाई इसकी कंप्लीट कर ली है। अब जब कंप्लीट होने से पहले है जो एक सिलाई है जो मैंने इस पैटर्न की जो मैं बना रही हूँ ये बनाऊँगी, और फिर एक साथ इसको पीछे वाला पोर्शन है जो इसके साथ मैं जोड़ के, ये मेरा फ्रंट का बॉर्डर बन चुका है दो सिलाइयों का। जैसे कि मेरी ये वाली पॉकेट है जो कंप्लीट हो चुकी है, इसको आप ध्यान से देखिए, ये मैंने इसमें दो सिलाइयाँ यानी कि दो लाइन्स है जो मैंने बॉर्डर की बनाई है, क्योंकि मैंने इसमें भी नीचे सिंपल दो लाइन का ही बॉर्डर बनाया, और यहाँ मैंने मेरे चार फंदे हैं जो साइड में पट्टी के लिए, तो इसलिए मैंने ये सिंपल बनाई है। लास्ट में मैंने इसकी एजिंग करूँगी यानी कि इंटरलॉक करूँगी, कन्नी बनाऊँगी लास्ट में, तो वो मैं चारों तरफ से जब बनाऊँगी तो बाजू में भी मैं आपको बना के दिखाऊँगी। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने है जो 25 फंदे उठाए हैं, इसको बिल्कुल प्लेन बनाया यहाँ तक, फिर जब हमारी एक रो बची तो फिर मैंने इसमें पैटर्न डालना शुरू कर दिया, क्योंकि अदरवाइज़ है जो अगर हम प्लेन बनाएंगे तो ये दिखना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए है जो जो मैं इसमें पैटर्न डाल बना रही हूँ वो बनाना शुरू किया, और फिर है जो ये इसके साथ ही मैंने ये बुन ली। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये मैंने उठाया, ये बना लिया, फिर है जो हमने इसको स्टिच करना है। आप क्रोशिए से स्टिच कीजिए या फिर सुई से इसको है जो स्टिच कर लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक ये मेरी ऑलरेडी बन चुकी है। फिर मैं एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक है जो इस पैटर्न की बनाऊँगी, फिर जब मैं वापस जाऊँगी इसको यहाँ से, फिर हमने एक साथ ही ये बुन के तैयार ये वाला पैटर्न बुन के यहाँ तक आना है, तो फिर है जो ये बिल्कुल एक इसके साथ ही जुड़ जाएगी। तो एक सिलाई मैं आपको बना के बताती हूँ कि हमने इसमें करना क्या है। जब हम इसको इधर को वापस मुड़ गए तो हमने क्या करना है कि 3 डबल क्रोशिया की पूरी ये वाली रो जैसे हम कंप्लीट करते हैं, तो ये पैटर्न है जो मेरे कितनी उसमें बना है, 1 2 3 4 5 यानी कि 6 में, इस वाले से यदि काउंट करेंगे तो ये 5 1/2 में मेरा ये क्रोशिया बना है। एक इसमें पैटर्न में जो मेरे लास्ट में एक बार हाफ हाफ बनता ही है, एक बार है जो 6 डबल क्रोशिया बनते हैं, एक बार है में जो यहाँ 3 आए यहाँ 6 आए, यहाँ 3 आए यहाँ 6 आए, इसी तरह से लास्ट में भी। तो इसमें भी है जो ये इस वाली रो में है जो इसमें भी लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया आएंगे 3, तो इस वाले डिजाइन में मैं जब हम इसको बनाएंगे इस तरह से, तो ये 3 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बुन लिए, फिर है जो हमारे है जो सॉरी 3 नहीं 5 5 डबल क्रोशिया बन रहे हैं एक ही उसमें, तो हमने 5 बार है जो ये पैटर्न डालना है हमने इसमें। ये हो गया 1 बार, थोड़े थोड़े से गैप में आपने 2 घर छोड़ के है जो 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। बहुत ही सिंपल पैटर्न मैंने इसमें रखा है, इसमें कोई बहुत तामझाम नहीं है, इस पैटर्न में कोई उलझन वाला पैटर्न नहीं है, बिल्कुल है जो 5 टाइम मैंने डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से है जो हमने ये वाली सिलाई कंप्लीट कर देनी है, फिर हमने एक साथ बुन के वापस आना है, फिर ये हमारी इसके साथ है जो अटैच हो जाएगी हमारी ये वाली जेब भी, फिर मैं इसको नीडल की सहायता से इसको स्टिच कर दूंगी। तो यदि आपको मेरा ये आइडिया बताने का अच्छा लगा या पसंद आया, समझ आ गया होगा आपको कि किस तरह से बनाना है, तो
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी पैटर्न अपने चैनल पे डालूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी उसी टाइम। तो इसलिए है जो, यदि आपको पसंद आता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये हो गई मेरी एक ये वाली रो, तो ये पहुँच गई हूँ मैं इधर। तो मैं इसको है जो इसके साथ बुनते हुए वापस जाऊँगी ऐसे। इस तरह से फिर है जो मेरा ये सेम है जो ये वाला पैटर्न इस तरह से बन जाएगा। यदि आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा से डिटेल में आपको बताऊंगी कि कैसे बना। ये मैंने यहाँ से है जो सुई से है जो स्टिच कर दिया इस तरह से। ये है जो बहुत ही प्यारा सा पॉकेट बन के तैयार हो गया। देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।